इस वीडियो को लाइक करिए और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। आज का टॉपिक बहुत बड़ा, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, रियल लाइफ आयरन मैन, सुपर जीनियस, इंटेलेक्चुअल, मतलब बिलियनेयर, बहुत क्रिएटिव है, और वो है इलॉन मस्क, जिसको रियल लाइफ आयरन मैन बोलते हैं। आज का जो आयरन मैन जो मूवी है ये आदमी के ऊपर बेस्ड है, तो इसकी जर्नी हम बताएंगे पॉइंट वाइज के, मतलब कैसा इसकी जर्नी, ही स्टार्टेड फ्रॉम नथिंग और आज लिटरली और उसके बड़ा सुपर रैंडम फैक्ट्स भी बोलेंगे हम लोग। तो फिर लेट्स लास्ट टाइम कमेंट्स भरे थे तो जरा सा मेरा थोड़ा बोल दे, तो मैं एक्सीडेंट हुआ था, बोला बोले कहीं पकड़ के आग लगाई कर, ऐसा नहीं हुआ, लाइक स्किड एंड बैक टू द टॉपिक। इश्टा वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप नए हैं इस चैनल को प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब और लीव अ लाइक। वीडियो आगे लेके जाने से पहले एक बहुत ही जबरदस्त चीज हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि आपको घर बैठे बैठे पैसे कमाना है, मगर खासियत है बिना कोई इन्वेस्टमेंट के। ये वीडियो में बताता हूँ कैसे आप घर बैठे बैठे बिना इन्वेस्टमेंट के पैसे कमा सकते हैं। ऐसे शॉप 101 एक ऐसा ऐप है जिसमें आप घर बैठे बैठे पैसे कमा सकते हैं बिना कोई इन्वेस्टमेंट के। यहाँ पर आपको हाई क्वालिटी साड़ीज, कुर्तीज, बेडशीट, टी शर्ट्स और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे डायरेक्टली इंडिया के टॉप होलसेलर से, जो आप घर बैठे बैठे फटाफट बेच सकते हैं। आपको बस इतना करना है, स्टार्ट आपको ऐसे करना है कि आपका अपना फेवरेट प्रोडक्ट कैटलॉग चुने, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ व्हाट्सएप या अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शेयर करें। याद रखें, आप उतना ही अर्न करेंगे जितना मेंशन करा हुआ है मार्जिन में। आप अपने दोस्तों का और अपने फैमिली मेंबर्स का आसानी से इस ऐप पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि आपको पहले प्रोडक्ट में जाना है और उसके ऊपर क्लिक ऑन ऐड टू कार्ट करना है, अपने कस्टमर डिटेल्स भरें, सेलेक्ट करें अपना पेमेंट ऑप्शन और अपना ऑर्डर कंप्लीट करें। और तो और, आपके दोस्त और आपके फैमिली मेंबर्स भी प्रोडक्ट्स ये लिंक से खरीद सकते हैं। जब ऑर्डर प्लेस होगा, शॉप 101 उन्हें ऑर्डर डिलीवर कर देगा और कैश ऑन डिलीवरी ले लेगा। वंस ऑर्डर डिलीवर हो जाए, आप अपने मार्जिन्स अर्न कर सकते हैं जो प्रोडक्ट्स आपने मेंशन किया है। शॉप 101 वीकली अर्निंग डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा एवरी ट्यूजडे। तो आप बैठे क्यों हो, चूज द राइट प्रोडक्ट, शेयर देम विद द राइट पीपल और घर बैठे बैठे आसानी से कमाएं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो मेक श्योर टू चेक इट आउट। नाउ बैक टू द वीडियो। इलॉन मस्क, बॉर्न इन June 28, 1971, साउथ अफ्रीकन आदमी है, बॉर्न इन साउथ अफ्रीका, नाउ एन अमेरिकन। जून के बहुत क्रिएटिव लोग रहते हैं। जून 28 का है आदमी, मगर मैं तो फरवरी का हूँ। हाँ, वही तो समझ जाओ यहाँ पे क्या मतलब है, जून का क्रिएटिव। मैं तो फरवरी का हूँ। तो जून का जो इलॉन मस्क है, फाउंडर ऑफ पेपाल, फंडिंग और इन्वेस्टर ऑफ टेस्ला मोटर्स। टेस्ला मोटर्स को यो स्टार्ट करे थे, ये एक मोटर कंपनी है जो इलेक्ट्रिक पे बैटरी, इलेक्ट्रिक कार्स, वो तो इंडिया में कभी लाएंगे नहीं क्योंकि पेट्रोल में इतना खा रहे, आई मीन दे रहे। यस यस, इतना बड़े बड़े लोग पेट्रोल के जो पीछे है तो बैटरी की कार कभी आना मुश्किल है। Zipto जो एक बहुत बड़ा, बहुत मशहूर उसका स्टार्टिंग का एक सॉफ्टवेयर था। SpaceX सुने होंगे रिसेंटली, जो नासा को टक्कर दे रहा, नासा को टक्कर क्या, नासा ही उसके पास जाके प्रोजेक्ट्स लेके जा रहा। अब आप बोलेंगे भाई, आप बोले नासा की मून लैंडिंग फेक है, अब हम जरा तवज्जो देना चाह रहे टॉपिक पे। मून लैंडिंग नहीं है, स्पेस एक्सप्लोरेशन है, सैटेलाइट। और लेटेस्ट है हाइपरलूप, जो ट्यूब में जो ट्रेन जो अंडरग्राउंड जो इनका पास हो रहा, ऐसा आधे घंटे में कई 100 किलोमीटर कवर कर रहा, तो ये भी इसका प्रोजेक्ट चल रहा। सो वील स्टार्ट ऑफ विद द बेसिक फैक्ट, शुरुआत कैसे होती है इलॉन मस्क की। एक्चुअली इलॉन मस्क किसी को मालूम नहीं था, मगर ये मशहूर हुआ टेस्ला कंपनी और SpaceX के वजह। तो एज यूजुअल फेमस एंटरप्रेन्योर्स के वैसा, इनकी भी टेस्ला कंपनी की सैलरी इनकी भी $1 है, स्टीव जॉब्स के साथ जो स्टीव जॉब्स पर सेकंड की बात नहीं, $1 पर ईयर। अच्छा, ये रिलेशन टोनी स्टार्क, इलॉन मस्क मारते टोनी स्टार्क का रहा। तो टोनी स्टार्क लोगों को मालूम नहीं होगा, अगर आपको आयरन मैन मालूम है तो वही टोनी स्टार्क है, और वो जो फिल्म के इलॉन मस्क नहीं है आयरन मैन। एक्चुअली आयरन मैन का मेन इंस्पिरेशन वो मूवी मेकर्स वाले इलॉन मस्क से लिया हुआ है, उसका कैरेक्टर देखे, और उसका एक कैमियो भी था, एक बैकग्राउंड में एक सीन था या आगे एक सीन था मुझे तो याद नहीं है, मगर वो मूवी में उसका। और प्लस इसका SpaceX जो जगह है, इसकी लोकेशन, वहाँ भी आयरन मैन के कई सीन्स फिल्माए गए सर, तो एज अ ह्यूज इंस्पिरेशन भी इसको मान के वो आयरन मैन मूवी में, मतलब जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर का रोल है, बिलियनर बिजनेसमैन जो क्रिएटिव इनोवेटिव बिजनेसमैन, वो एक्चुअली इलॉन मस्क का एक रेप्लिका ही बोल के बोले फिल्म मेकर्स। इलॉन मस्क का भी केस है, हाई स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाता है, तो ड्रॉप आउट होने के बाद अब यूजुअली क्या करते हैं, अब
अपने लोग रहे बोले तो ड्रॉप आउट लाइट लाइव बोल के 30 का 60 चलता स्टोरी। इन्हें क्या करा वो पीरियड में 90s की बात है, जिप टू बोल के सॉफ्टवेयर स्टार्ट करा जो ऑनलाइन बिजनेस फॉर न्यूज़पेपर्स डायरेक्टरीज था। तो 97 में उसको एक कंपनी खरीद ली थी और ओनली 307 में बेचे, 307 रुपए की बात करें, 3 रुपए का न्यूज़पेपर रहता था, 307 रुपए में डॉलर्स में, अच्छा 307 डॉलर में, 307 डॉलर्स के आगे मिलियन भी है, 307 मिलियन डॉलर्स इन 1997, 300 मिलियन डॉलर्स, 307 टू बी प्रिसाइज, 1997 में इनो हाई स्कूल से ड्रॉप आउट होके। तो ये शुरुआत थी एक तरह से, एक सक्सेस था, मतलब के समझो पहला स्ट्राइक इच, पहले बॉल पे छक्का स्टेडियम के बाहर। लेकिन बाद में इन्हें पढ़ाई पे ध्यान दिया अपना, जैसा बाहर कंट्रीज में बताते, देखो अपना एक एम भी अचीव करे बाद फिर वो पढ़ाई को अहमियत देते तो वापस पढ़ते। तो एलन मस्क तो बैचलर डिग्रीज लिया फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में, उसके बाद इन्हें अप्लाई करा था फिजिक्स एंड मटेरियल साइंस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। फिर उसके बाद क्या करा मान बोने, फिर इसके 2 दिन के बाद उन्हें बोला नहीं हो सकता मेरे से, बोल के छोड़ दिया। कई बोले तो क्रिएटिविटी इतनी है वो नहीं के नहीं करो आप चीज को। मिल गया मेरे को इसका, इसकी टेक्निक आ गई मेरे को। तो अपन कुछ भी करके ड्रॉप आउट हो जाना, कुछ भी करके ड्रॉप आउट होते कि पैसे वाले हो जाते, ऐसा होते हैं पैसे वाले कॉलेज में लेकर ड्रॉप आउट हो जाना। बच्चों ऐसे एडवाइस ना को सुनो, 5th-6th क्लास में ड्रॉप आउट होंगे, अम्मा बाबा बेल्टों से मारेंगे हम लोग को, गिनने के रोड पे देंगे, अभी चड्डी से पैंट धोने ड्रॉप आउट बोलते कि खाने तुम करो पे। तो ये ऐसा है, क्रिएटिविटी है बोल के बंदे को किस्मत भी साथ दिया, ऐसे आप पढ़ाई के साथ भी क्रिएटिव हो सकते हैं। एजुकेशन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट, क्यों बोल पूछो, क्योंकि हाइपर लूप SpaceX ये सब में एंट्री कैसे हो रही, पढ़े लिखे रहना, पढ़े लिखे रहे तो होती। मैं भी ड्रॉप आउट बोल देगी दान देता हूँ वहां से, यहाँ ड्रॉप आउट, यहाँ अगर जल्दी हो तो पॉलिटिशियन बन सकते, इलॉन मस्क नहीं बन सकते, इलॉन मस्क नहीं बन सकते आप बिहारी बाबू बोल के पान चबा के। उसके बाद 1999 में x.com बोल के वेबसाइट खोला आदमी, जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का था। एक और एक पार्टनर था जो साथ मिलके ये लोग कोलाबरेट करके पेपाल खोले। तो उसके बाद पेपाल की तो स्टोरी मालूम है, आज भी पेपाल चलता। उसको ईबे क्या कर, वो लोग एक्वायर कर लिए, उन्होंने कितने में करे, 1.5, अच्छा ये तो $1 में गया, 1.5 बिलियन डॉलर्स इन 1999। वैसे एक खास बात है इसकी, इसके चाइल्डहुड में, लिटरली एक चाइल्डहुड में इन्हें एक गेम बनाया था, वही टाइम इन्हें वो गेम 1980s की कुछ बात है, $500 में बेचा था बंदा जब उसके चाइल्डहुड में। तो बचपन से ही यानी हर जगह एलन मस्क का नाम हाउस होल्ड नेम हो गया। टेस्ला मोटर्स क्यों, क्योंकि एक स्पोर्ट्स कार भी बैटरी ऑपरेटेड बना जो सेकंड्स में 0 to 60, 0 to 100 लिटरली बुगाटी वेरन यानी चेरोन, सॉरी बुगाटी चेरोन को टक्कर जो दे रही थी इसकी टेस्ला बैटरी ऑपरेटेड कार दे रही थी, फाड़ के रख दिया पूरे पेट्रोल के कंपनीज पूरे टेस्टिंग इतने साल। मगर इंडिया में तो कभी नहीं आएगा ये, क्यों, इलेक्ट्रिसिटी बहुत है, पेट्रोल कम है ना, नहीं अपन पेट्रोल पे चलना अपन, नहीं नहीं आता आता था वो, ऐसा लगाते कि लाइट जाती, देखो अपने पास। तो ये था इलॉन मस्क का यहाँ तक की कहानी, आगे की मिस्टर आमिर सुनाते, मैं काफी दे दिया एसिडिटी। तो अब उसका टारगेट है स्पेस, अपन लैंड टू लैंड टूरिज्म करते ना, उन्हें लिटरली स्पेस टूरिज्म स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। स्पेस शटल सुने होंगे, स्पेस शटल में जाके एस्ट्रोनॉट्स वगैरह उसके अंदर रहते थे, मतलब सैटेलाइट वगैरह ठीक करने में। ये स्पेस शटल एंड करके स्पेस स्टेशन पे ज्यादा फोकस करा, ये ऐसे व्हीकल्स पे करा जो यूजुअली स्पेस में ट्रैवल करना उसमें इन्वेस्ट करना, मतलब अपन बोलते देखो अरे ये कार अच्छी है, ये कार अच्छी है, ये कार अच्छी है, इन्हें स्टार्ट कर दे रहा है, ये रॉकेट अच्छी है, ये स्पेस व्हीकल अच्छी है, ये स्पेस व्हीकल अच्छी है वैसा। लेकिन ये रॉकेट एक्सप्लोरेशन नासा का काम है, नहीं अरे भाई सबको उंगली करने की आदत है। अच्छा। तो ये बंदे का फिर जब स्पेस व्हीकल्स बनाना शुरू करा इसका तवज्जो रॉकेट की तरफ भी गया, ये प्रोजेक्ट अपने आगे रखा, कई मिलियनर बिलियनर्स के आगे उसका प्रोजेक्ट रखा, मगर सब पीछे हट गए। तो खुद अपनी जेब से इन्हें उसके अंदर इन्वेस्ट करा, जिसका आज SpaceX जो इसकी कंपनी है उसके अंदर मेन उन्हें फोकस करा ये रॉकेट फाल्कन पे। ये रॉकेट में ये ऐसी खासियत थी कि रॉकेट जब लॉन्च करते तो इसके जो स्पेस बूस्टर्स है वो वापस आके लैंड करते जमीन पे। तो लिटरली इसके वजह से 90% एफिशिएंसी बढ़ी सो है, और जो नासा के प्रोजेक्ट्स 1 बिलियन में होते थे इन्हें ये $60 मिलियन में
कट डाउन कर दिया कॉस्ट में, मतलब हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम रॉकेट गया, रॉकेट के बूस्टर्स वापस आके अपनी जगह लैंड भी हुए, तो रीयूज कर सकते, रीयूज बहुत बड़ी चीज। तो अब इन्हें चाह रहा कि जैसा एक्सप्लोर वर्ल्ड करे वैसी स्पेस स्टेशन स्पेस वगैरह इसको एक्सप्लोर करना और लिटरली उसकी टूरिज्म स्टार्ट करना। और ये फाल्कन जो फाल्कन रॉकेट है इसको नाम कहाँ से दिया होंगे इन्हें बोलो, नहीं वो स्टार वॉर्स के मिलेनियम रॉकेट के बाद इन्हें फाल्कन रॉकेट का नाम, तो ये आयरन मैन स्टार वॉर्स फिल्मी है इन्हें बताओ, फिल्मी बोलना क्या बोलना समझ नहीं आ रहा, शैतान है शैतान ऐसा जीने से नहीं लग रही, बोल शैतान है जून का है ना पठा, जून में। इसके दूसरे जो अचीवमेंट है 75 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 21st सेंचुरी दिया गया इसको, नेम्ड एज फॉर्च्यून मैगजीन्स बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2013 में दिए फॉर स्पेसएक्स, सोलर सिटी बोल के भी एक प्रोजेक्ट है इन्हें कजन के साथ जो चला था, और टेस्ला मोटर्स जो है। साथ ही साथ इसको फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल जो वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी है एरोस्पेस के लिए वो लोग भी इसको गोल्ड स्पेस मेडल दिए एलोन मस्क को 2010 में। राइट नाउ He has $22.8 billion का मालिक है। अक्टूबर 2018 में उसका जो रिसेंट आता है 22-23 billion का मालिक बस है, बस इतना ही हमारे यहाँ तो गली गलियों में रहते पान खाते $23 billion का। जो रिसेंट पर स्टार्ट करा वो है हाइपरलूप, मतलब के एक क्लोज ट्यूब में एक ट्रेन या जो बुलेट ट्रेन जैसा रहता क्लोज ट्यूब वैक्यूम टाइप है उसके अंदर मैग्नेटिक है शायद, वो स्पीड इतनी फास्ट स्पीड रहती नो एयर इंटरफेरेंस नो कुछ भी नहीं, तो यहाँ से वहां पहुंचाने के लिए बहुत स्पीड से हाइपरलूप का इसका प्रोजेक्ट चल रहा। तो ये था वीडियो एलोन मस्क का, होप आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आप नए हैं इस चैनल को मेक श्योर टू सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट नीचे करो भाई लोग, कमेंट कैसे भी करो, कमेंट्स नहीं पढ़ते बोल रहे लोग, कमेंट्स बराबर पढ़ते हो सब पढ़ते, फिर हम लोग जरूर जल्द से जल्द नई वीडियो के साथ आएंगे। और शॉप 101 कैसा भी चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, घर बैठे बैठे पैसे कमाओ बिना कोई इन्वेस्टमेंट के। फिर हम लोग आते हैं एक नई वीडियो के साथ, उसका हिसाब डाल लो मैं, ओकटी मिलियन रेंडू मिलियन रेंडू पंडू चंडू कुछ भी नहीं, 10 रुपए है तुम्हारे पास, 10-10 रुपए दोनों हाफ हाफ कर लेंगे, अच्छा उसके हिसाब डालेंगे 10-10 रुपए।